तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हो और डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 3 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि यू इंटू वी। तो इसका एक फॉर्मूला तो होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा आपको क्या, इसमें यू इंटू वी में यू कॉन्स्टेंट, डी वी बाई डी एक्स यानी कि वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई, यहाँ पर हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को कांस्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का होता है 2y, और जब भी वाई का रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स इंटू, हम लोग को निकालना था क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैं सब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले आया और बाकी सब को साइड में कर दूंगा, तो sec स्क्वायर एक्स ये पहले से इसी साइड है, और y बचा यहाँ पर, तो y को साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि, तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अब हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लिए, इधर बचा इक्वल टू के बाद में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आया क्या हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारा आंसर आ गया। तो ये इसे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना था, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। ठीक है, 2x, और एक्स वाई का देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन किए एक्स को बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का, वाई बाहर और एक्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देख सकते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100, यानी कोई भी नंबर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0। तो अब हम लोग को क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स।
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक साथ लिखेंगे, यानी कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू में हो जाएगा माइनस y पहले और माइनस 2x। तो y को हम लोग इस साइड कर दिए और 2x को भी हम लोग इस साइड कर दिए, ठीक है। तो हमारा हुआ क्या, y माइनस 2x। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारा, x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हम क्या लिए, कॉमन, और बचा यहाँ पर क्या, माइनस वाई माइनस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले ले बाहर, तो बचेगा टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। हम लोगों ने निकाला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को निकालना था, तो इसको हम लोग कर देंगे नीचे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि माइनस टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस टू वाई। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक रूल है, जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन होता है क्या, 3x स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से लगेगा u इंटू v। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इस पर इसके बेस पर बनेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। इसका हो गया, अब इसका x को छोड़ेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा dy वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो dy वाई बाई डी एक्स आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर x का हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया, अब यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी मेरा स्पेस थोड़ा कम है। और कांस्टेंट यानी कि 81 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो उम्मीद आपको दिखता होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मैं जूम कर कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करेंगे, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हमारा क्या है यहाँ पर, यानी कि प्लस 2xy वाई प्लस 2xy वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। 3x इसको अब हम लोग यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे सब में से, तो हमारा बचेगा क्या, x स्क्वायर। यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से लेंगे तो प्लस 2xy, और यहाँ से लेंगे तो प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, ठीक है। और सबको हम लोग उस साइड भेज देंगे, जैसे कि ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ से ये जाएगा y स्क्वायर,
यानी कि माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग उस साइड भेजे, इसको और इसको, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिए, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर ले ले कॉमन, तो अंदर का सब साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं सॉल्व करके। तो हमारा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग आंसर मैच कर सकते हो, जैसा कि हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया यहाँ पर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लगेगा क्या u इंटू वी का फॉर्मूला, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पर भी क्या लगा, u इंटू वी इसके अकॉर्डिंग। बाकी सब तो मेरे ख्याल से कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमेशा होता है क्या, जीरो। डिफरेंशिएशन कोई भी नंबर का आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा क्या होगा, जीरो। और y के रिस्पेक्ट, जब भी y का रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टू एक्स वाई, जब भी मैं y का डिफरेंशिएशन किया हूँ तो इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही रहने देते, तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है।